स्वागत है आपका चैनल देसी स्वाद में। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, देसी स्वाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू की कचौड़ी, जिसके लिए हमने लिया है ये एक कटोरी मैदा, एक कटोरी हमने लिया उड़द की दाल का आटा, जिसको हमने रात में भिगोकर धोकर अच्छे से सुखाकर मिक्सी में पीसकर घर पर ही तैयार कर लिया। ये रेडीमेड भी मिल जाता है उड़द की दाल का आटा। और इसमें स्टफिंग भरने के लिए हमने ये आलू लिए हैं, जिनको हमने बॉईल करके छील कर रख लिया है। और लिया है उसके लिए अमचूर, जीरा पाउडर, धनिया साबुत, हींग और ये घी, और इसमें डालने के लिए ये सारे मसाले। अब सबसे पहले हम पैन में तेल डालेंगे और आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। आलू की स्टफिंग को हम तैयार करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर हम आटा मार लेंगे कचौड़ियों के लिए। सबसे पहले हमने पैन में तेल डाल दिया, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब डालेंगे जीरा, अब इसमें डालेंगे हम ये साबुत धनिया, ये जीरा हमारा चटक गया है और धनिया भी फ्राई हो रहा है। साबुत धनिया डाला है हमने इसके लिए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी। अच्छे से इनको हिला लेंगे और ये डालेंगे हम अमचूर पाउडर। अब हम इसमें आलूओं को डाल देंगे। अब आलूओं को इसमें हम इस प्रकार डाल देंगे। ये देखिए, हमने आलूओं को इसमें मैश करके डाल दिया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। अब हम इसको अच्छे से फ्राई करके और इसकी स्टफिंग तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने आलूओं की स्टफिंग जो है वो तैयार कर ली है और हमने इसको अच्छे से मसालों को बीच में मिला के मैश कर लिया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे। और जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम अपना आटे का डो तैयार कर लेंगे। तो हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तो हम अब आटे का डो तैयार कर लेते हैं। बाउल में हम एक कप मैदा ले लेते हैं और ये उड़द की दाल का आटा इसमें ले लेंगे। इससे क्या है कि कचौड़ी जो है बहुत ही खस्ता बनेगी। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे और मोइन के लिए थोड़ा सा इसमें तेल डाल देंगे। अब हम इनको मिला लेंगे।
इस डो को हम ना तो ज़्यादा टाइट तैयार करेंगे, ना ही ज़्यादा गूंदेंगे, ना ही ज़्यादा नरम गूंदेंगे। इसके लिए हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है। अब इसको हम अच्छे से गूंद लेंगे। और एक डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमने आटे का सॉफ्ट डो तैयार कर लिया था, गर्म पानी डाल के इसको गूंद लिया था। आप कहेंगे कि इसका कलर ऐसा क्यों है, क्योंकि हमने इसमें उड़द की दाल का आटा डाला है, तो इसलिए इसका कलर ब्राउन हो गया है। अब हमने इस आटे की छोटी छोटी लोइयां बनानी है। और इधर हमारी स्टफिंग भी जो है वो ठंडी हो गई है। अब हम कचौड़ियाँ बनाएंगे। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और इसको पूरी के आकार का बेल लेंगे और अब हम इसमें ये स्टफिंग जो है भर देंगे। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें आप इसमें कम ज़्यादा अपने अनुसार स्टफिंग जो है वो भर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार हम भरकर इसको इनको बंद कर देंगे और अच्छे से ऊपर से दबा देंगे और हल्का सा हाथ से ही प्रेस कर देंगे। इस प्रकार हम इसको प्रेस कर देंगे। थोड़ा सा कचौड़ी थोड़ी मोटी ही होती है, इसको हम ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। इस प्रकार हम सारी अपनी कचौड़ियाँ जो है वो तैयार करके रख लेंगे। ये देखिए, कचौड़ियों को हमने बेल कर इनमें स्टफिंग भर के तैयार करके हमने इनको रख लिया है। अब हम कढ़ाई में तेल लेंगे, तेल को गर्म होने देंगे और इसको हम मीडियम आंच पर ही सेकेंगे। अब हम इसमें आटा डाल के देखते हैं कि हमारा तेल गर्म हो गया है या नहीं। तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें कचौड़ियां डालेंगे। अब हम इनको मीडियम आंच पर ही सेकेंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए और क्रिस्पी हो जाए। बीच बीच में हम इनको, जब ये ऊपर से थोड़ी सी ब्राउन हो जाएंगी, तो हम इनको बीच में पलट देंगे। ये देखिए, कचौड़ियाँ जो है हल्की ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको पलट देंगे और दूसरी तरह से भी अच्छे से ब्राउन होने देंगे। जब ये थोड़ी सी अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी तो हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए, कचौड़ियाँ जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे और प्लेट में रख लेंगे। कि ये बाकी कचौड़ियों को भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है, ये अच्छे से सिक गई हैं। अब हम इनको भी निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारी खस्ता कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, जिसको हमने मैदे और उड़द के दाल के आटे से तैयार किया था। ये काफ़ी क्रिस्पी बनी है। आप इसको शाम को स्नैक्स के रूप में भी ट्राई कर सकते हैं, हरी चटनी सॉस या किसी के साथ भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को अपने घर पे ट्राई ज़रूर करना और खाना बनाना और हमें बताना कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।